महाराष्ट्र में नागपुर के नजदीकी भंडारा जिले में सरकारी अस्पताल में शनिवार की देर रात आग लगने से 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई है। जिला अस्पताल के बच्चों के नवजात केयर यूनिट SNCU में देर रात 2 बजे अचानक से आग लगे और यह हादसा हुआ है। महाराष्ट्र में नागपुर के नजदीकी भंडारा जिले में सरकारी अस्पताल से दर्दनाक खबर आई है। इस अस्पताल में शनिवार की देर रात आग लगने से 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। जिला अस्पताल के सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट में देर रात 2 बजे अचानक से आग लग गई और यह हादसा हुआ है। इस हादसे में इंटेंसिव केयर यूनिट में रखे 10 नवजात शिशुओं की मौके पर ही मौत हुई, जबकि 7 नवजात शिशुओं को बचा लिया गया है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते यह आग लगी है। हादसे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर PM नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने शोक व्यक्त किया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि भंडारा स्थित जिला सामान्य अस्पताल की नवजात देखभाल यूनिट में आग लगने से 10 नवजात शिशुओं की मौत की खबर चौंकाने वाली और दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही देशमुख बोले, भंडारा पुलिस को घटना की पूरी जांच करने के आदेश भी दिए गए हैं। आज वे खुद भंडारा जिले के इस अस्पताल में जा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने मृतक बच्चों के परिजनों को 5 लाख रुपयों का मुआवजा देने का ऐलान भी किया है। भंडारा सामान्य रुग्णालयामध्ये आपल्याकडे SNCU युनिट आहे। त्या SNCU युनिटमध्ये जवळपास इनबॉर्नमध्ये 7 आणि आउटबॉर्नमध्ये 10 असे गंभीर आजारानं न्यूबॉर्न बच्चू भरती होते। तर आज जवळपास 1:30 सिस्टर ड्युटीवर होती। सिस्टर ड्युटीवर असताना अचानक आउटबॉर्नमध्ये स्मोक झाला, त्यानं पूर्ण धुरानं पूर्ण रूम बंद झाली ती। तर मग धावत धावत सिस्टर गेल्या, आत दरवाजा उघडला, त्यांनी जसा दरवाजा उघडला पूर्ण त्या धुराचा धूर त्यांच्या चेहऱ्यावर आला, त्याच्यामुळे त्यांना काही दिसलं नाही। लगेच त्यांनी फोन केला सिनियर ऑफिसरला, सगळे डॉक्टर आले, सिव्हिल सर्जन पण आले, मी स्वतः आलो, ACS आल्या, सगळेच आमचे डॉक्टर घटनास्थळी विदिन 5 मिनिटांमध्ये पोहोचले। त्याच्या ज्यांना जसं होते त्यांनी बच्चू काढले, आमच्या डॉक्टरांनी प्रयत्न करून बच्चू काढले, ते बाहेर काढले आणि मग लगेच 5 मिनिटांमध्ये फायर ब्रिगेडची गाडी आली। फायर ब्रिगेडच्या गाडीनी ती बाहेरूनच दरवाजा तोडून जे इनबॉर्नमध्ये जे बच्चू होते त्या 7 च्या 7 बच्चूंना त्यांना सुखरूप बाहेर काढले, पण आउटबॉर्नमध्ये जे असलेले बच्चू होते 10 बच्चू होते ते बच्चू आम्ही काही वाचवू शकलो नाही। आम्ही सगळं प्रयत्न केलं पण तरी आम्ही काही वाचवू शकलो नाही। आमचा पूर्ण स्टाफ तिथे हजर असून सुद्धा आम्ही वाचवू शकलो नाही त्यांना। तर त्याच्यामुळे हे जे 10 बच्चू आहे ते त्यांचा आम्ही या नातेवाईकाकडे हे करू, नातेवाईकाकडून ओळख पटवून आपण त्याचा समोरची कारवाई करू। असं आहे की भंडारा जी घटना घडली ती अतिशय दुर्दैवी घटना आहे आणि त्याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिलेले आहेत। या चौकशीमध्ये जो कोणी दोषी आढळेल त्याच्यावर कडक कारवाईच्या निमित्तानं राज्य शासनाच्या माध्यमातून करण्यात येईल। आता ही आग शॉर्ट सर्किटमध्ये लागली की तिथला AC च्या प्रॉब्लेम काही लागली याची संपूर्ण माहिती आणि संपूर्ण चौकशी व्यवस्थित होईल याची मी आपल्याला खात्री देतो। आणि या दुर्घटनेमध्ये जे लहान बालक मृत्यूमुखी पावले आहेत त्यांच्या परिवाराच्या दुःखामध्ये आम्ही सर्व सहभागी आहोत। भंडारा जिल्हा अस्पताल के मेडिकल अधिकारी डॉक्टर प्रमोद खंडाते ने बताया कि देर रात करीब 2 बजे के आसपास यह हादसा हुआ है। अस्पताल के आउटबॉर्न यूनिट में धुआं निकल रहा था। जब अस्पताल की नर्स ने दरवाजा खोला तो देखा आउटबॉर्न यूनिट में सब जगह धुआं ही धुआं था। अधिकारी के अनुसार नर्स ने तुरंत अस्पताल के अधिकारियों को बुलाया। आपातकाल विभाग और दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर बच्चों को बचाने की कोशिश की। हालांकि इस हादसे में 10 शिशुओं की मौत हो गई, जबकि 7 शिशुओं को बचाया गया है। आग लगने की वजह का पता लगाने के लिए जांच टीम दमकल टीम की मदद से अस्पताल के अंदर पहुंच चुकी है। जिस वार्ड में आग लगी थी उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है। भंडारा के जिला अस्पताल का फायर ऑडिट हुआ था या नहीं इसकी भी जांच की जा रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भंडारा जिला अस्पताल में आग लगने से लगभग 10 बच्चों की मौत की घटना बहुत ही दर्दनाक और दिल दहलाने वाली है। हम इन सभी परिवारों के इस दुख में सहभागी है। इस घटना की तुरंत जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भंडारा में जिस प्रकार की घटना हुई है वो बहुत ही वेदनादायी और शर्मनाक इस प्रकार की घटना है। महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील राज्य में 10 बालक सरकारी अस्पताल में जलकर मर जाते हैं,
इससे शर्मनाक दूसरी कोई बात नहीं हो सकती। हमारी मांग है कि इसकी पूरी जांच की जाए, उच्च स्तरीय जांच की जाए और दोषियों को बिल्कुल कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। साथ साथ इसके सारे पहलू, सेफ्टी मेजर्स थे क्या, सेफ्टी ऑडिट हुआ था क्या, फायर ऑडिट हुआ था क्या, ये सारी चीज़ें देखी जानी चाहिए और इस घटना से सीख लेकर महाराष्ट्र के इस प्रकार के सारे सरकारी अस्पतालों में सेफ्टी ऑडिट और फायर ऑडिट ये किया जाना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। BCN न्यूज़ के लिए अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।